नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों का। अमेठी में जगदीशपुर कोतवाली के बड़े गांव रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से कटकर एक शख्स की मौत हो गई, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अमेठी के संग्रामपुर में एक गौशाला तो बना दी गई, लेकिन उसमें रहने वाले जानवरों के खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, जिससे जानवरों की मौत हो रही है। अमेठी में सड़क के किनारे ढोल बजाकर पैसे मांगते हुए बच्चे दिखाई दिए, जिसे साक्षरता मिशन के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं की पोल खुल गई। अमेठी में शिव रतनगंज थाने के इन्होना में चेकिंग के दौरान ट्रक से 21 गौवंश बरामद किए गए, साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अयोध्या में दर्शन नगर चौकी क्षेत्र के गांव रामपुर में थीम पार्क के पास 2 अजगर देखकर गांव के लोग डर गए। फिलहाल समाज सेवी रितेश दास ने दोनों अजगरों को पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया है। अमेठी में अमेठी कोतवाली पुलिस ने शिव पूजन चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से वह तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। अयोध्या कोतवाली के पास श्रृंगार हाट बाजार में एक बुजुर्ग की डेड बॉडी पेड़ के नीचे कंबल से लिपटी मिली। बुजुर्ग की इस तरह मौत से जिला प्रशासन के दावों और अयोध्या नगर निगम के काम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बाराबंकी में शराब माफिया दानवीर सिंह गैंग के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें 2,25,00,000 की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। बहराइच जिले के युवा पत्रकार फहीम अहमद के घर पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसमें पत्रकार और उनका परिवार घायल हो गया। फिलहाल जिलाधिकारी ने पत्रकार को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देवरिया जिले में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 500 क्विंटल लहन और 28 भट्टियों को नष्ट कर दिया, साथ ही 1200 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की है। देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में चोरखरी गांव में 2 नकाबपोश बदमाशों ने सहज जनसेवा केंद्र पर 46,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। जालौन के नगर क्षेत्र में झंडा चौराहे के पास बिजली के केबल में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि इससे किसी को जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। जालौन के कुटौन थाना क्षेत्र में एक DCM ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कानपुर से लौट रहे कार सवार पिता पुत्र दोनों घायल हो गए। आनन फानन में राहगीरों और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।